सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और आपको पता है कि देखिए पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन के लिए जो फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट था ये था 30 अप्रैल। आफ्टर दैट डेट को एक्सटेंड किया गया और डेट अभी लास्ट डेट रखा गया है 15 मई। आगे का क्या प्रोसेस होगा, कैसे आपका एडमिशन होगा, क्योंकि इस बार तो परसेंटेज के बेसिस पे हो रहा है। पटना वुमेन्स कॉलेज की हिस्ट्री की ये बात है, ये हिस्टोरिकल कंटेंट हो जाएगी कि भाई पीडब्ल्यूसी में एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ 12th परसेंटेज पे हुआ है। तो जब 12th के परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन होगा तो फिर एडमिशन का आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है, कब तक आपका लिस्ट आएगा, कैसे लिस्ट आएगा, इसके साथ में ये भी आपको जानना है कि जो आपका एडमिशन चार्ज है वो एडमिशन चार्ज कितना है, इसके साथ कौन कौन से सब्जेक्ट, जब आपको पटना वुमेन्स कॉलेज में जब आप एडमिशन लेके जाइएगा तो आपको बकायदा एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म में आपको भरना होगा सारा डिटेल, वो फॉर्म को कैसे भरना है, इसके साथ वैल्यू एडेड कोर्स क्या होता है, चूंकि एडमिशन के टाइम में सबसे पूछा जाएगा, इसके साथ किस कोर्स में कितना एडमिशन का पैसा है। ऐसा ना हो जाए कि आप सोच रहे हैं कि पैसा कम है, आपको बाद में एट अ रैंडम पता चले कि यहाँ का तो फी हाई है, और आपके पास अगर उस टाइम तक अगर किसी दूसरे यूनिवर्सिटी कॉलेज में अप्लाई नहीं कीजिएगा फिर तो आपका साल बर्बाद हो जाएगा। और हॉस्टल कैसे मिलेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे गर्ल्स कैंडिडेट है जो बाहर किसी दूसरे स्टेट से या किसी दूर के डिस्ट्रिक्ट से है और उनको यहाँ कॉलेज में रहना भी है, मतलब पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी लेना है, तो कैसे हॉस्टल फैसिलिटी मिलता है, मतलब ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, इसमें सारे कंटेंट मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल के माध्यम से मिल सके। चीजों को समझते हैं सिंपली वे में, ठीक है, चीजों को समझेंगे थोड़ा सा सिंपल करके। कैसे, पहली बात इसको हम लोग कहते हैं पीडब्ल्यूसी शॉर्ट में, यानी पट्टा वुमेन्स कॉलेज, एंड पट्टा वुमेन्स कॉलेज 2024 एडमिशन के लिए जो अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है दैट्स डेट भी क्या है, ये डेट हमारा है 15 मई। फर्स्ट बात, सेकंड बात क्या है इसमें आगे समझिएगा, अप्लाई करने का चार्ज क्या है 1100 रुपए, ठीक है। यहाँ पे दो सिचुएशन, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया होगा, कुछ कैंडिडेट ने अप्लाई किया होगा 12th को अपीयरिंग मोड में दे करके, मतलब अपीयरिंग मोड करने का मतलब वो 12th के परसेंटेज ये सबको फिल नहीं कर पाए होंगे, और कुछ कैंडिडेट होंगे जो पास्ड स्टेटस पे फिल किए होंगे, मतलब 12th का परसेंटेज को भरे होंगे। तो कुछ तो ऐसे होंगे जो 12th को अपीयरिंग मोड पे भरे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 12th को पास मोड में भरे हैं, जो पास मोड में भरे हैं उनको कुछ भी करने की समझिए जरूरत नहीं है, बट हाँ जो अपीयरिंग मोड करके भरे हैं उनको 12th का परसेंटेज अपडेट करना है, मतलब 12th में आपका कितना परसेंटेज है, चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं या सीबीएसई या आईसीएसई, या हो सकता है अभी आपका रिजल्ट आया होगा, जैसे सीबीएसई आईसीएसई वालों का अभी तक रिजल्ट आया है, तो ये तो कंफर्म है कि अप्लाई करने का जो डेट रखा गया है ये 15 मई है। अब उम्मीद है कि इससे आगे नहीं बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये मान के चले 15 मई इस बार लास्ट डेट रखा गया, क्योंकि फॉर्म आपका फरवरी से भरा रहा है और फरवरी से जो सकता है फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, मतलब लगभग लगभग आपका 105 यानी 105 डेज के आसपास ये फॉर्म भरने का प्रोसेस चला है। तो कितना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया होगा आप इसको थिंक कर सकते हैं, ठीक है, आगे समझ। सबसे पहली बात, अप्लाई करने का जैसे ही लास्ट डेट खत्म होगा, देखिएगा जैसे ही लास्ट डेट खत्म होगा इसके बाद एक और डेट निकलेगा, और ये डेट किस चीज के लिए निकलेगा, ये डेट निकलेगा फॉर्म एडिट करने के लिए, या कह सकते हैं फॉर्म को अपडेट करने के लिए। ये कौन सा डेट निकलेगा, फॉर्म अपडेटिंग डेट निकलेगा, ठीक है, जिसमें आपको तकरीबन ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, 7 से 10 दिन हार्डली आपको दिया जाएगा, और ये उम्मीद है आसपास में ये डेट आ जाए, और ये लगभग लास्ट ऑफ मई, मतलब 12th का परसेंटेज एडिट कर देना है। हालांकि ठीक है, ये वाला जो परसेंटेज है इस परसेंटेज को क्या कर देना है, आपको एडिट कर देना है। ये तो पहली काम हो गई, दूसरी काम ये भी होगा इसके साथ साथ में, क्या होगा, एक तो परसेंटेज लेगा, इसके साथ साथ में हो सकता है और भी आपको चॉइसेस लेने का मौका दिया जाए, चॉइसेस को चूज करने का मौका मिले, ठीक है, ये मैक्सिमम प्रोबेबल है हो, क्योंकि अभी जो आप फॉर्म अप्लाई किए उसमें बस दो ही चॉइस आप डाले हैं, एक तो आपका कोर कोर्स पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस। तो आगे इस चीज पे ध्यान रखिए, आगे क्या होगा ये मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, देख लीजिएगा। इसके बाद अगर चॉइस फिलअप, अगर मतलब जो प्रेफरेंस आपका, अगर प्रेफरेंस नंबर ऑफ प्रेफरेंस आपको डालने का मौका मिले तो ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस भी डालिएगा। तो पहला तो है कि लास्ट डेट जैसे ही एंड करे इसके बाद नजर बना के रखना है कि फॉर्म को एडिट या अपडेट करने वाला ऑप्शन आया है कि नहीं, ऑप्शन आएगा तो ये 12th वाला परसेंटेज को कर देना है, ठीक है। इसके बाद उम्मीद है कि जून में अप्रॉक्स, उम्मीद है कि जून में 4 या 6 जून के आसपास में मेरिट लिस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। मेरिट लिस्ट कैसा आता है, कहां आएगा, ये समझिएगा। तो ये जो मेरिट लिस्ट है इसके लिए आप अपटू डेट लीजिएगा थोड़ा सा, ये जो पटना वुमेन्स कॉलेज की वेबसाइट है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मेरिट लिस्ट चेक करना रहेगा। तो गूगल पे आकर के टाइप कर लीजिएगा पटना वुमेन्स कॉलेज,
सो देख सकते हैं मैं पटना वुमेन्स कॉलेज की साइट पे चल रहा हूँ आपके साथ में। जैसे हम पटना वुमेन्स कॉलेज की साइट पे चलते हैं तो इस तरीके से साइट खुल जाएगा। साइट खुलने के बाद देखिएगा यहाँ मैं स्क्रॉल करता हूँ, नीचे साइड में चल रहे हैं, यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा। इस सेक्शन को कहते हैं अपडेटेड नोटिस। अपडेटेड नोटिस पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग अपडेटेड नोटिस पे क्लिक करेंगे, जितने भी सारे नोटिस है सारे नोटिस यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे शो कर जाएंगे। लास्ट टाइम एडमिशन फॉर्म को लेकर के नोटिस आया था, डेट बढ़ने को लेकर के एक्सटेंशन का नोटिस, यही पे आपका आ जाएगा मेरिट लिस्ट। यही पे आपका क्या आएगा, मेरिट लिस्ट। जैसे पिछले साल भी जो मेरिट लिस्ट आया था वो यहाँ पे आया था, तो इसी तरीके से इस साल का भी मेरिट लिस्ट आएगा। और मेरिट लिस्ट क्लियरली लिखा रहेगा मेरिट लिस्ट फॉर बीए, मेरिट लिस्ट फॉर बीएससीए, मेरिट लिस्ट फॉर बीकॉम, इस तरीके से लिखा रहेगा। पीडीएफ का लिंक रहेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अब समझिए, जो आपका मेरिट लिस्ट आएगा वो मेरिट लिस्ट में बेसिकली रहेगा क्या क्या, ये पुराने साल का मेरिट लिस्ट है, यानी पिछले साल 2023 का मेरिट लिस्ट है। और वो मेरिट लिस्ट बेसिकली टेस्ट के बेसिस पे बनता था, तो स्टूडेंट का ओनली रोल नंबर आता था। जैसे 91 जिनका रोल नंबर होगा, इनका सिलेक्शन देखिए किस चीज में हुआ था, ये बीबीए के लिए हुआ था। तो इस बार का जो मेरिट लिस्ट आएगा उसका पैटर्न चेंज रहेगा। इस बार का जो मेरिट लिस्ट आएगा उसका जो पीडीएफ रहेगा वो कुछ नए डिजाइन में रहेगा, ठीक है। इस तरीके से कई सारे कॉलम में बांटा रहेगा। यहाँ लिखा रहेगा आपका नाम, मान लेते हैं सुनीता, ठीक है, तो सुनीता कुमारी। इसका लिखा रहेगा टेंथ का परसेंटेज मान लेते लिखा रहेगा 81.82%। फिर लिखा रहेगा 12th परसेंटेज 96.3%। इसके साथ लिखा रहेगा सब्जेक्ट अलॉटेड, आपको लिखा रहेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको अलॉट किया है। मान लेते हैं आपका सब्जेक्ट है अलॉटेड सब्जेक्ट में लिखा रहेगा, आपको लिखा रहेगा यहाँ पे बीए हिस्ट्री, ये आपको लिखा रहे बीबीए, ठीक है। तो समझ लीजिए कि जो आपको सब्जेक्ट अलॉट रहेगा वो सब्जेक्ट आपको मिल गया। और ये सब्जेक्ट किसके बेसिस पे अलॉटमेंट होगा, तो जो आपने फॉर्म भरा है, मतलब जो आपने चॉइस दिया है, प्रेफरेंस दिया है, उसी के बेसिस पे आएगा। तो ये वाला बीए का भी पीडीएफ आएगा, बीएससी का भी, बीबीए का भी, बीसीए का, सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ आएगा। मेरिट लिस्ट का कहां पे आएगा, वो कॉलेज के नोटिस वाले सेक्शन पे। तो जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा देख लीजिएगा, अपना नाम कुछ मिला लीजिएगा, आपका नाम है, आपके पापा का नाम है, आपका सारा डिटेल है, समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया है। अब जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसी पीडीएफ में लिखा रहेगा कि किस दिन आपको एडमिशन लेने के लिए जाना है। जैसे देखिएगा हमारे पास पुराना वाला मेरिट लिस्ट है, और पुराना वाला मेरिट लिस्ट में क्लियरली लिखा रहता था कि आपको कौन से डेट में जाना है। जैसे देखिए लिखा रहता था कि बीबीए वालों को, ये पुराना वाला मेरिट लिस्ट है, इस साल का नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में क्या ये आप कंफ्यूज हो जाइएगा, तो पुराना वाला मेरिट लिस्ट में लिखा था कि एडमिशन का डेट कब है, एडमिशन का टाइम कब है, कहां जाना है, सब कुछ लिखा रहता था। तो इसी तरीके से इस बार का भी मेरिट लिस्ट आएगा जिसमें डेट लिखा रहेगा कि बीबीए का कब होगा, बीसीए का कब होगा, बीए का कब होगा, बीएससी का कब होगा। तो मेरिट लिस्ट समझ दीजिए बताएंगे, तो मेरिट लिस्ट से आप चेक कर लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, और हुआ है तो किस दिन एडमिशन लेना है। और उसी के नीचे में एडमिशन चार्जेस भी लिखा रहता था। तो थोड़ा सा एडमिशन चार्जेस के ऊपर फिर से बताता हूं, बहुत सारे गर्ल्स कैंडिडेट को अभी भी पता नहीं है, तो आप पहले तैयार हो जाइए। अगर आप इतने चार्जेस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप पहले प्लान सेट कर लीजिएगा कि मैं इसके जगह पे दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा। मैं बताऊंगा इसके बैकअप में कौन कौन से टॉप कॉलेज है, कैसे उसका एडमिशन का प्रोसेस है, लास्ट तक बने रहिए। यहां देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं बीबीए में, तो बीबीए में जो एडमिशन चार्ज है वो 44,700 यानी 44,700 रुपीज, फिर अगले साल से अगले सेमेस्टर से 39,320 रुपीज, मतलब एक सेमेस्टर 6 महीना का होता है। अभी एडमिशन लीजिएगा, फिर 6 महीने बाद पैसा भरिए, फिर भरिए, कुल मिलाकर के ये जो कोर्स है बीबीए, बीसीए, बीएमसी, एएमएम, सीईएमएस, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब वोकेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, मतलब 6 बार आपको पैसा भरना है। पहले बार पैसा कितना भरना है 44,700, फिर आपको 39,320, ऐसे ऐसे करके पांच सेमेस्टर पैसा भरिएगा। उसी तरीके से बीसीए का 39,220 रुपीज फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर में 33,230 रुपीज। उसी तरीके से जो आपका बीएमसी का जो एडमिशन चार्ज है ये कितना है 44,700 रुपीज, आफ्टर दैट सेकंड सेमेस्टर एडमिशन चार्ज भी 39,320 रुपीज। सिमिलरली फॉर द एएमएम एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट का चार्ज है 32,810 रुपीज एंड आफ्टर दैट 26,820 रुपीज। सिमिलरली सीईएमएस का एडमिशन चार्ज है भी सेम है, इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी का एडमिशन चार्ज है 42,130 रुपीज एंड आफ्टर दैट सेकंड सेमेस्टर द एडमिशन चार्ज भी 35,560 रुपीज। देन ये आपको चार्जेस आपको पे करना है कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, और पहले टाइम्स में कितना लगेगा इतना। इसके साथ साथ में अब थोड़ी से और भी कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। अब बात करें तो ये कौन सा कोर्स है, हाँ यहाँ बात करते हैं बीए के लिए। बीए के लिए एडमिशन चार्ज कितना लगेगा, अगर आप बीए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, सोशियोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग, हालांकि फैशन डिजाइनिंग का जो चार्जेस है वो उम्मीद है कि 40,000 के आसपास रहेगा, ठीक है।
जो कुछ नए नए कोर्स इस बार पटना वुमेन्स कॉलेज ने स्टार्ट किया है, जैसे बीएससी डेटा साइंस है, एनालिटिक्स है, रोबोटिक्स है, इसके साथ में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो फैशन डिजाइनिंग है, उन्हीं देश का एडमिशन चाहे लगभग 40,000 के आसपास रहेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं बीए के लिए, ये 19,400 रुपीज है। आफ्टर दैट द सेकंड सेमेस्टर द एडमिशन चार्ज भी 14,000। तो ये एडमिशन के चार्जेस है, इसका माइंड पहले सेटअप कर लीजिएगा। जो बीए बीएससी बीकॉम ये जो कोर्स है 4 साल का हो गया, मतलब कुल मिलाकर के आपको 8 times 8 बार यानी 8 semester आपको पढ़ना है, तो 8 times आपको पैसा पे करना है। और एक सेमेस्टर में कितना पे करना स्टार्टिंग में 19,400। तो आप कंपैरिजन कर लीजिएगा कि प्राइवेट कॉलेज है ये, क्रिश्चियन कम्युनिटी की प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे आपको पैसा देना है, ठीक है। अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो अगले सेमेस्टर में जाइएगा ना, तो आपको किसी भी तरीके से पैसा देना, ध्यान रखिएगा। इसलिए आप अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग ही सेट कीजिएगा। अगर आपका इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक है तो इसी के टक्कर का फुल्ली गवर्नमेंट में आपको कॉलेज बताऊंगा, जो कि जहां पे एडमिशन का चार्ज बहुत डिफरेंस रहेगा, ठीक है। 170 रुपीज में आपका एडमिशन होगा और डिग्री सेम मिलेगा, पटना यूनिवर्सिटी का ही डिग्री मिलेगा, सब कुछ सेम मिलेगा, ठीक है। तो आपको मैं बेटर ऑप्शन ये भी प्रोवाइड करूंगा। पहले बीए का मैंने देखा, अब आपको दिखाता हूं दूसरे कोर्स का। दूसरे कोर्स में यहां पे आता है बीएससी। बीएससी का अगर मैं एडमिशन चार्ज बात करूं तो जो बीएससी का एडमिशन चार्ज है, देखिएगा एक सेमेस्टर का कितना रहेगा, 26,230 रुपीज। आफ्टर द सेकंड सेमेस्टर द एडमिशन चार्ज भी 17,230 रुपीज। तो ये है 26,230 रुपए एक सेमेस्टर का, आफ्टर दैट 17,230 रुपए, और ये आपको कितना बार भरना है, 8 semester यानी 8 बार भरना है, ठीक है। आगे बात करते हैं बीकॉम का। बीकॉम का भी एडमिशन चार्ज कुछ ज्यादा ही है। बीकॉम का एडमिशन चार्ज देखिएगा कितना है, यह है सब्जेक्ट अपना बीकॉम और बीकॉम में है 43,370 रुपीज, और आफ्टर द सेकंड सेमेस्टर एडमिशन चार्ज भी 38,090 रुपीज। तो ये कितना एडमिशन का चार्ज है ये आपने समझ गया है। अगर बात करेंगे हॉस्टल के बारे में, तो जो हॉस्टल का एडमिशन चार्ज है ये आपका 72,000 एक साल का लगता है, ठीक है, खाने का रहने का एक साथ, यानी 72,000। इसके साथ ध्यान रखिएगा एडमिशन के टाइम में आपका कौन कौन सा पेपर हो ये देखिएगा। एक तो एडमिशन के टाइम में जो पेपर में भी एडमिशन फिर दूसरे सेमेस्टर का CC2 इस तरीके से, ये CC रहता है यानी कोर कोर्स रहता है। ध्यान रखिएगा ये जो कोर कोर्स है आपका चेंज नहीं होगा। जो कोर कोर्स आप एक बार ले लीजिएगा 8वें सेमेस्टर तक या 6वें सेमेस्टर तक आपको यही कोर कोर्स पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ एक और पेपर होता है जिसको हम लोग कहते हैं जीई या फिर कहिए जनरल इलेक्टिव पेपर, ठीक है, या सीसी पेपर को इन शॉर्ट समझिए, इसको हम लोग कहते हैं मेजर पेपर MJC। और ये जो जेई पेपर है इसी का दूसरा नाम होता है MIC माइनर पेपर, ठीक है। ध्यान रखिएगा मेजर पेपर यानी कोर कोर्स और जो माइनर पेपर ये सोच समझ के लीजिएगा, जो पेपर लीजिएगा इसी पेपर से आपका आगे का करियर है, मतलब आगे आपका मन पीजी का पढ़ाई करने का, तो आप इससे भी कर सकते हैं, मेजर से भी और इससे भी कर सकते हैं। इसलिए इस दोनों पेपर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इसको अच्छे से समझ के चलिएगा, इसको अच्छे से सोच समझ के लीजिएगा। इसके साथ में कौन कौन से पेपर रहेगा, एक MDC पेपर रहेगा, एक VAC पेपर रहेगा, एक AEC पेपर रहेगा और एक और पेपर रहेगा SEC पेपर रहेगा, ठीक है। SEC पेपर यानी स्किल एनहांसमेंट कोर्स, और एक और कौन सा कोर्स है, यह AEC कोर्स यानी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। ये दोनों कोर्स का अलग से पैसा नहीं लगता है, लेकिन ये VAC का जैसा आप पेपर लीजिएगा वैसा पैसा देना पड़ेगा। ऑल ओवर प्राइवेट कॉलेज है, मतलब जैसा आपका डिमांड वैसा पैसा आपका लगते जाएगा। अब देखिएगा कौन कौन सा VAC कोर्स है, दीज आर द VAC कोर्स जिसको हम लोग कहते हैं वैल्यू एडेड कोर्स या फिर कहिए एड ऑन कोर्स। और देख लीजिएगा एप्लाइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो 2000 है एक सेमेस्टर का, ये आपको चार्जेस दिख रहा है, ठीक है। तो जैसा आप लीजिएगा, देखिए यहाँ पे कौन सा चार्ज है, यहाँ पे कोरियन लैंग्वेज एंड कल्चर लीजिएगा, तो 5,600 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द पेपर, डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू एडेड कोर्स, और डिपेंडिंग अपॉन द अदर, डिपेंडिंग अपॉन द क्लियरली कर सकते हैं, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, पेपर पे डिपेंड करता है, वैसे आपका एडमिशन चार्ज लगेगा। लेकिन याद रखिए मोटा मोटी चार्जेस आपको ध्यान रखना है, और याद रखिएगा एडमिशन जिस दिन रहेगा उस दिन पैसा कैश में ले जाइएगा, ऑनलाइन अपने अकाउंट में लेके जाइएगा, क्योंकि वहां पे पैसा आपको ऑनलाइन भरना होता है, तो ये अमाउंट आपको ऑनलाइन एडजस्ट करके रखना है। अब बात करते हैं उनके लिए भाई, कि जिनसे इतना पैसा नहीं हो, इतना एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो क्या बैकअप प्लान है। देखिएगा ये जो पटना वुमेन्स कॉलेज है ये बेसिकली प्राइवेट कॉलेज है, बट इसका जो डिग्री है, जो सर्टिफिकेट है, यानी इसका जो मालिक है, इसका जो हेड है वो कौन है, ये पटना यूनिवर्सिटी है, और पटना यूनिवर्सिटी का ही ये एक प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। और इसी पटना यूनिवर्सिटी का एक फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है जिसका नाम है MMC मगध महिला कॉलेज, जो मगध महिला कॉलेज किसी भी क्राइटेरिया से कम नहीं है पटना वुमेन्स कॉलेज से, ठीक है। अंतर है जिनके पास पैसा है वो पटना वुमेन्स कॉलेज में पढ़ेंगे, जिनके पास पैसा थोड़ा सा कम है या अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा गार्जियन का सेविंग हो जाए तो आप मगध महिला कॉलेज में पढ़ सकते हैं। मगध महिला कॉलेज भी द बेस्ट कॉलेज है, गांधी मैदान के पास कॉलेज है, इसमें कई सारे फैसिलिटी है, जैसे लाइब्रेरी है, एडवांस लैब,
कुछ इसके पास भी है, ठीक है, ग्राउंड है, सारा का सारा फैसिलिटी है, क्योंकि नैक का ग्रेडिंग दोनों को मेंटेन करना है, दोनों एक ही यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, तो कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ का एडमिशन चार्ज सुनिए, यहाँ का एडमिशन चार्ज बीए में आप एडमिशन लीजिए या बीएससी में आप लीजिए या बीकॉम में लीजिए, मात्र और मात्र आपका एडमिशन 170 रुपए एक सेमेस्टर का, क्योंकि आप लड़की हैं और बिहार सरकार लड़कियों को क्या देती है, एडमिशन में छूट देती है, मतलब आपका पैसा सरकार भरती है। और इसके साथ साथ जब आप ग्रेजुएट होइएगा तो आपको पता है बिहार सरकार ग्रेजुएट होने पे 50,000 रुपए देती है, और अगर आप पटना वुमेन्स कॉलेज से ग्रेजुएट होइएगा तो ये 50,000 आपको नहीं मिलेगा, और अगर आप फुली गवर्नमेंट महिला कॉलेज से आप अगर ग्रेजुएशन कीजिएगा तो 50,000 आपको ग्रेजुएट होने पर भी मिलेगा। ऑल ओवर कहा जाए तो अच्छा खासा बचत, अच्छा खासा फायदा, डिग्री में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों पटना यूनिवर्सिटी का है, ना डिग्री में डिफरेंस, ना एजुकेशन क्वालिटी में डिफरेंस, कुछ में भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बीए बीएससी बीकॉम के लिए तो जरा सा भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अगर वोकेशनल कोर्स है तो वोकेशनल कोर्स में भी ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये तो मैंने बता दिया बीए बीएससी बीकॉम के बारे में। अगर हम बात करें मगध महिला कॉलेज में भाई कितना प्राइस लगता है बीसीए के लिए, तो यहाँ पे बीसीए का प्राइस मात्र 15,000 के आसपास लगता है एक साल का, ठीक है, मतलब दो सेमेस्टर का मात्र 15,000, और वहां आपने 39,000। इसी तरीके से जो बीबीए का जो एडमिशन चार्ज है ये लगता है आपका 24,000, इसके साथ में जो बीकॉम का जो प्रोफेशनल कोर्स है इसमें लगता है 23,000 मगध महिला में, ठीक है। तो जो चार्जेस है ये लगभग आसमान जमीन का अंतर है। अब बात करते हैं मगध महिला कॉलेज का भी कट ऑफ बहुत हाई बनता है, क्योंकि मगध महिला कॉलेज पटना वुमेन्स कॉलेज से भी ज्यादा अप्लाई आता है, फुली गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है, इसमें नंबर ऑफ अप्लाइंग भी ज्यादा आता है। इसके बैकअप में तो पटना वुमेन्स कॉलेज के बैकअप के फॉर्म में मैंने बताया क्या क्या, एक तो मगध महिला कॉलेज बताया ये किससे है, ये पटना यूनिवर्सिटी से है। इसके बाद अगर ये नहीं मिले तो जेडी वुमेन्स कॉलेज में अप्लाई करने का दिमाग लगाइए, ये नहीं मिले अरविंद महिला कॉलेज में दिमाग लगाइए, अरविंद महिला कॉलेज में नहीं मिले गंगा देवी में दिमाग लगाइए, ये सब पाटलिपुत्रा का है। इसके साथ एएन कॉलेज टॉप कॉलेज है, इसके साथ कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, ये सब कॉलेज में आप आराम से दिमाग लगा सकते हैं। तो कॉलेज का बैकअप रखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बैकअप आपके लिए बताया, बहुत ही इनफ, ठीक है। बाकी एडमिशन में किसी भी प्रकार का क्वेरी हो या कहीं पे, ये पटना वुमेन्स मगध महिला एएन जेडी कहीं पे भी आपको एडमिशन लेना रहे, कहीं आपको हो नहीं पा रहा है, प्रॉब्लमेटिक में आप है, कुछ नहीं कीजिए, डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और हमसे कॉन्टेक्ट करके प्रॉपर सजेशन पाइए क्या कैसे आगे करना है, और समझ लीजिए कि आपके लिए रेस्पॉन्सिबल हम, काम हमारा है एडमिशन कराना और आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो ये सारा जो एडमिशन को लेकर के जो भी करंटली अपडेट था ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उम्मीद करते हैं सारी चीजों को आपने समझा होगा, आने वाले वीडियोस में और भी आपके साथ डिस्कस होगी। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, सो मच, थैंक यू।